ये बोलेगा एसपी साहब आपके बाल ही नहीं है मेरे तो। ये नेचुरल है या कुछ किए हो? जंगल बनाया हो यार। लोग छोटे से बड़े बनते हैं, तुमने फिर ट्रक ही चुरा लिया। गलती से हो गया, इग्निशन गलती से ऑन हो गया, गलती से देके तुम निकल गए। चोरी करना है ये सोच कैसे आई? नशे में थे, ये कारण सही बता रहा है लड़का, लेकिन ईमानदार है बिल्कुल। एक दो क्वार्टर तो ज्यादा नहीं पीता है, क्यों एक दो क्वार्टर पीता है? अंग्रेजी पीता है, देखो यार हल्के मतलब। ये लड़का अकेला पूरा ट्रक को ही चोरी कर लिया। ओ डीजल खत्म होने के कारण छोड़ा है फिर? तो मुझे लगा यार डीजल तो चेक ही नहीं किया है इसने। अरे भैया ऑटो में तो डेली राइड करते ही हो। घूमने की मनसा फिर ट्रक चला, कभी तो मन करेगा हेलीकॉप्टर चलाना है तो हमारा हेलीकॉप्टर लेके, कभी मन करेगा प्लेन उड़ाना है तो माना एयरपोर्ट चले जाओगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। एक ओर जहां दुर्ग पुलिस लगातार आरोपियों को समझाइश दे रही है, उन्हें पकड़ रही है, तो दूसरी ओर दुर्ग में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। आज दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो चलाता तो ऑटो है लेकिन उसने 14 चक्के वाले ट्रेलर को ही चोरी कर लिया। मजे की बात इसमें यह थी कि चोरी करने के बाद जब चोर उसे चलाता है तो उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर के बाद ट्रेलर का डीजल खत्म हो जाता है और ट्रेलर वहां पे रुक जाती है। उसके बाद चोर उसे वहीं पर छोड़ता है और वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद उसे दुर्ग पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तब आरोपी ने बताया कि उसका इरादा ट्रेलर को चोरी करने का नहीं था बल्कि उसे एक राउंड चला करके वहां पे छोड़ने का था जहां से उसके उठाया था। आइए आपको दिखाते हैं उस दौरान का पूरा वीडियो। आ जाओ भाई, ये सब तो छोटी छोटी चीज चोरी करते हैं, तुमने तो पूरा ट्रक ट्रेलर को ही टपा लिया है। माल से माल, माल से क्या था? हाँ खाली था। एडिडास भाई बाल का यार, ये तो रॉकेट की तरह कहाँ जाएगा? साइड में जोड़ दो। अब देखो यार आप ऐसा होना, ये बोलेगा एसपी साहब आपके बाल ही नहीं है मेरे तो। बाली बाल है, सचमुच जलेगा आज इसके बाल देख के। ये नेचुरल है या कुछ किए हो? अरे तिरंगा बनाया हो यार, एक दो ये गलती से कट हो गया कि रेलवे ट्रैक है? अगली बार रेल उड़ाने वाला था। ट्रक के बाद ट्रेन का नंबर। क्या नाम है? हाँ जिला जोर से बोलो। गोलू कुमार यादव। तुम्हें तो पते दुबले यार, नाम गोलू। चलो गुड। ये कब से कर रहे हो चोरी का काम? पहली बार किए? पहली बार में इतना बड़ा माल तुमने हाथ मार लिया। लोग छोटे से बड़े बनते हैं, तुमने फिर ट्रक ही चुरा लिया। गलती से हो गया, इग्निशन गलती से ऑन हो गया, गलती से देके तुम निकल गए। कहाँ कब किए चोरी? हफ्ता भर पहले चोरी किए थे। चोरी का मन कैसे आया? चोरी करना है ये सोच कैसे आई? नशे में थे, ये कारण सही बता रहा है लड़का, लेकिन ईमानदार है बिल्कुल। नशा कौन कौन सा करते हो? शराब पीते हो और गांजा, हफीम, कोडेक्स, गोली, इंजेक्शन। शराब का इतना नशा? कितना पीते हो शराब? कितना पीते हो शराब? एक दो क्वार्टर तो ज्यादा नहीं पीता है, क्यों एक दो क्वार्टर पीता है? देसी पीते हो? देसी अंग्रेजी पीता है, देखो यार हल्के मतलब। हम भी देखें एडिडास। कहाँ से खरीदते थे शराब? शराब कहाँ से खरीदते थे? भट्टी से। कौन से भट्टी से? पावर हाउस भट्टी से। तो क्या जरूरत पड़ गई चोरी की? क्या काम करते थे पहले? तो ऑटो चलाने का अच्छा काम है यार, फिर चोरी में क्यों चले गए? मन में कैसे आया चोरी करना है? कितने बजे चोरी किए? रात में कितने बजे? 11 बजे। अकेले किए कोई साथ में था? यार ये लड़का अकेला पूरा ट्रक को ही चोरी कर लिया। हाँ
यहाँ तीतरार है भाई। तो ट्रक में कैसे काटने का, ट्रक चलाने का नॉलेज उसके पास है। सब बताएगा भाई, आपको भी 5 मिनट दूंगा। कैसे चोरी किया बताना भाई। पहले से गाड़ी डायरेक्ट था, तुम गाड़ी में चढ़े, पहले गाड़ी में चढ़े हो गए, चढ़ने के बाद क्या किए, वायर को जोड़ दिए, फिर चालू हो गया। इतना तुमको ऑटो चलाते तो पता होगा ना इसको कैसे चलता है, कैसे मालूम था कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ट्रक चलाया नहीं कभी तुम, ट्रक का पता कैसे था तुम्हें। नहीं तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, 4-5 गाड़ी खड़ी, 4-5 गाड़ी खड़ा होता है तो सबको ट्राई किए उसका। हाँ पहली बार हुआ है तो तुम्हें कैसे मालूम था कैसे कौन से तार को किस तार से जोड़ना है। चार पांच तार था, तुमने एक एक दो दो को जोड़ के ट्राई किया और वो चालू हो गया। फिर क्या किए, कहाँ लेके गए उसको। कहाँ लेके गए, बैकुंठ धाम से जलेबी चौक, हमारा ही जलेबी चौक में। वही तो पकड़ कैसे लिए पुलिस वाले, पुलिस वाले पकड़ कैसे लिए। हाँ हाँ फोटो से तो चेहरा वहां ढके नहीं थे क्या, कौन पकड़ा था भाई सिपाही इनको, कौन था आप थे क्या। आ जाओ यार, चश्मा भी रखो, चश्मा भी लगाओ यार, लगाओ लगाओ लगाओ। नहीं नहीं चलो गुड, बताओ भाई कैसे पकड़े। बैकुंठ से 2:30 बजे करीब गाड़ी चोरी किया और डीजल खत्म होने से गाड़ी को जलेबी चौक का छोड़ दिया। ओ डीजल खत्म होने के कारण छोड़ा है फिर भाई, तो मुझे लगा यार डीजल तो चेक ही नहीं किया इसने, इसने कल तार छोड़ा, गाड़ी में डीजल नहीं था तो वहाँ रुक गई। तब क्या हुआ, फिर वहाँ से अपने घर जाया था पैदल। कब पकड़ लिए चोरी किया उसे, दूसरे दिन शाम तक। दूसरे दिन शाम को पकड़े, तो ये दूसरे दिन तक हटाया नहीं उस गाड़ी को। नहीं सर, छोड़ के चले गया इसको, लगा डर गया होगा ये। क्यों छोड़ के भागे, गाड़ी छोड़ के क्यों भागे, डीजल खत्म हो गया था तो दोबारा जाके डीजल डाल के नहीं लेके भागे। हाँ एनर्जी ड्रिंक भी खत्म हो गया, एनर्जी ड्रिंक खत्म हो गया। अगले दिन डर गए थे क्या कि पुलिस पकड़ लेगी। हाँ काम पे चले गए थे तो तुम सोचे नहीं कि इतना मेहनत से ट्रक को मैंने चोरी किया और ऐसे छोड़ दिया। कहाँ काम करता है, ऑटो चलाता है। कितने ऑटो है तुम्हारे पास। सेठ का ऑटो चलाते हैं, सोचा होगा ट्रक का को ट्रक को कहाँ बेचते तुम, मान लो ट्रक में डीजल होता तो क्या करते। डीजल मान लो बहुत डीजल भरा होता है डीजल, तब क्या करते नहीं नहीं मान लो डीजल होता तब क्या करते हैं। डीजल होता तो वही करते सर, क्या करते ढूंढते किसी को। क्या बता रहा है ये, ये बोल रहा सर गाड़ी को घुमा के वापस उसी जगह खड़ा कर देता जहाँ से चोरी किया। रात में क्या हवा खाने के लिए ट्रक तुमने ऑन किया था क्या। अरे भैया ऑटो में तो डेली राइड करते ही हो, ऑटो राइड डेली करते हो तो ट्रक राइड के तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया। हाँ एक चीज बताओ, किस मनसा से तुम ट्रक को लेके जा रहे थे, चोरी के मनसा से घूमने के मनसा से। घूमने की मनसा से ट्रक चला, कभी तुम्हारा मन करेगा हेलीकॉप्टर चलाना है तो हमारा हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाओगे, कभी मन करेगा प्लेन उड़ाना है तो माना एयरपोर्ट चले जाओगे तुम, या नंदनी चले जाएंगे यहाँ पे। क्यों भाई वहां से क्या उड़ता है नंदनी, तुम्हारा जो मन करेगा एसपी साहब की गाड़ी में राइड करना है, मेरी गाड़ी ले उड़ोगे तुम। ऐसा क्या रेलवे स्टेशन में खाते चलो ट्रेन चलाते हुए मुंबई तक। पहले भी अपराध किए हो क्या, पहली बार जेल की पकड़ा है, पहली बार किया। झगड़ा वाले तो कोई केस ही नहीं बनता, झगड़े में जेल गया है उसको तो अपराध ही नहीं मानता। किन किन धाराओं में गए हो, कौन सी धाराओं में,
सब जानता है देखो 151 323 294 कितने केस है तुम्हारे खिलाफ आवाज झगड़ा का एक ही केस किससे झगड़ा किए थे गाँव चल दिया क्या कितनी पिटाई की है उसकी पिटाई की है कि पिटाई खाए नहीं मारे कि मार खाए मारे भी हो और मार भी खाए हाथ से कि पैर वैर भी चलाते हो सब हाथ पैर देखो ये तो काम नहीं करना है ठीक है जेल पे छूटोगे तो बंद करो दारू पीना ठीक है देख रहे हो शराब के नशे में तो ऐसा बड़ा अपराध कर दिए शराब से और कोई नुकसान हुआ है तुम्हें शराब पीने से एक तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता चोरी कर लिया तुमने और शराब से क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा झगड़ा भी शराब के कारण बढ़ता है शराब के कारण गुस्सा आता है तो झगड़ा भी होता है शराब के कारण तुमने चोरी भी कर ली शराब के कारण कर्जा भी होता है कर्जा भी लिए हो क्या कहीं कर्जा है तुम्हारा सेठ के पास कर्जा है कितना कर्जा है 20,000 रुपए कर्जा भी हो गया देखो शराब के कारण तुम्हारा तो हवा तो ऑटो भी ले सकते अब यार इसको क्या पता था कि पुलिस पकड़ लेगी ट्रक हाइट था ये तो पहली पहली बार शुरू किया छावनी थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चोरी जो है एक युवक द्वारा की गई और देर रात इस चोरी को अंजाम दिया गया डीजल खत्म हो जाने पर ट्रक को सुनसान जगह पर छोड़ के चोर भाग गया सीसीटीवी के माध्यम से चोर की पहचान की गई और उसको गिरफ्तार किया गया पुलिस यदि त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो इस ट्रक को कबाड़ियों के द्वारा काट के बेच देने की बहुत बड़ी संभावना थी सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक तकनीक नई भरोसा पुराना एडवांस MRI मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन डिजिटल एक्सरे 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक